सभी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत दीदी। हमारे साची ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर सुश्री मेघा परमार जी आपके बीच आ चुकी है। माउंट एवरेस्ट विजेता जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। और ये हमारे सीहोर जिले की बेटी है और सीहोर जिले का नाम रोशन करने वाले साथी प्रदेश और देश का नाम रोशन करने में अपना सहयोग जिन्होंने दिया सुश्री मेघा परमार जी। हम भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार तालियों से पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे आज की ब्रांड एम्बेसडर जो आगे से जिनको सांची की जो प्रोडक्ट है उनकी ब्रांडिंग के लिए वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे सांची परिवार के हैं और मेघा परमार का सब लोग स्वागत करें। सबसे पहले तो ये हमारे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर होंगी और हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये कई ऊंची चोटियां जो देश की पूरे दुनिया भर की हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है, इसके अतिरिक्त भी ये माउंट एल्ब्रुस, किलिमंजारो और कई चोटियां जो हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उनको उनका पर्वतारोहण ये कर चुकी हैं। और मुझे बहुत गर्व का विषय बताते हुए कि सुश्री परमार का जो परिवार है वो सांची दुग्ध संघ से लंबे समय से जुड़ा हुआ है और उनके पिताजी खुद एक सांची समिति के सदस्य हैं और बाकी अपने अनुभव के बारे में सुश्री परमार बताएंगी। लेकिन हम बिल्कुल आशा करेंगे कि इनके जुड़ने से सांची के उत्पादों की जो ब्रांडिंग है वो देश स्तर और विश्व स्तर पर जाएगी और ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि वो इस सांची ब्रांड से जुड़ी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ है उसी तरीके से हमारा सांची भी इस सुश्री परमार के साथ जुड़ करके नितान नई ऊंचाइयों को छुएगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। विजेता जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत है। इस अवसर पर दो अवसर देकर हमें आनंदित करें सुश्री मेघा परमार। सभी को मेरा जय हिंद, नमस्ते। और सांची परिवार में मेरा स्वागत किया गया इसके लिए भी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय जी को, हमारे कंसोटिया सर को, श्री कंसोटिया सर को, हमारे एमडी सर को और मुझे यहाँ फिर से जोड़ने वाले राजेश मौर्य भैया को, आशा भैया को और पूरे समस्त सांची परिवार को। सो मेरा तो शायद जन्म से ही नाता है यहाँ से, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो किसान हैं और हमारे यहाँ जो खेती का पैसा है वो 6-6 महीने में आता है तो खेती में चला जाता है। तो घर का खर्च चलाने में बहुत बड़ा रोल जो है वो दूध का होता है। गाय भैंस अच्छे खासे हैं क्योंकि बाड़ा है, सब कुछ है, तो पर दूध को खरीदने के बाद पैसा आना भी तो ज़रूरी है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है ना, घर का खर्च कैसे चलेगा। आपके दो दो बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना भी है, तो बहुत बड़ा रोल था उस समय कि जब छोटे छोटे थे तब तक ऐसा था कि दूध प्रॉपर बिकता भी नहीं था, 20-15 रुपया लीटर ऐसे हो जाता था। जब गांव में फिर से सांची के टैंकर आने लगे थे, जो मैं छोटी थी तब से मैं देखती थी कि हमारी दूध की डेयरी पे पापा हमें को पे लेके जाते थे, दूध चेक होता था, दूध बिकता था उसको प्रॉपर चेकिंग करने के बाद। मैं बड़ी प्रक्रिया को बड़े उससे देखती थी कि कितना मापदंड है, यदि किसान दूध लेकर आता है तो उसको चेक करके ग्राहक तक पहुंचाना, ये भी कितनी बड़ी बात होती है ना, कि पानी मिला तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, वो भी वहीं गांव पे ही चेक हो जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी क्वालिटी के हिसाब से वहाँ पैसा मिलता था। तो हफ्ते मतलब पूरे महीने के अंत में जो हमारा घर खर्च होता था वो इन दूध के पैसे से आज तक निरंतर चलता है। यदि मैं आज बहुत कुछ बनी भी हूँ तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे पापा के दूध के पैसे का है। अरे मैं आपको बता दूं कि और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं सांची से जुड़ी हुई हूँ। और मैं जब आई थी तो मंत्री महोदय जी को जैसे आते हुए देखा तो मैंने जो भारतीय परिधान में मुझे देखा तो मैंने कहा अरे वाह, ये परफेक्ट पर्सन है, क्योंकि वो समझ सकते हैं क्योंकि वो इस ग्रामीण परिवेश से रहे हैं तो क्या लोगों को नीड है और क्या ग्रामीण परिवेश के लोगों को नीड है। जब ऐसे व्यक्ति आते तो ज़्यादा बेहतर काम होते हैं शायद। अगला जब
यहाँ पे जो मैम माउंट एवरेस्ट जा रही थी, तो हम मैं शाकाहारी हूँ, तो मुझे ये था कि क्या एनर्जी के लिए चीज़ जाए। भी आप देखेंगे तो मुझे दूध घी मक्खन से बहुत प्रेम है बचपन से ही, और मेरा जो हर साल गोंद का लड्डू बनता है तो उसमें 2 किलो घी जो जाता है वो सांची के पैकेट का जाता है, जिससे मैं शरीर था। अब क्योंकि मुझे देश विदेश में जाना होता है, तो अपन अपने यहाँ के लोकल चीज़ को क्या लेके जाएंगे, तो आप यदि मेरे से मिलने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सभी के लिए सांची के पेड़े लेके जाती हूँ, क्योंकि सांची के पेड़े वाकई में बड़े टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं, जिनका मैं खुद पर्सनली उपयोग करती हूँ। अब बात आती है कि किसान का पैसा किसान के पास ही वापस आ जाता है। सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि वो दूध तो देते हैं हर मंथ के बाद, उनको पैकेट्स हींके में मिल जाते हैं, उनकी दूध की बिक्री भी हो जाती है और ग्राहकों तक पहुंचता भी है। अब मैंने सांची पालन को मैं बहुत अच्छा रोल मानती हूँ उसमें सांची की प्रगति के प्रति, कि जब आप देखोगे कि वहाँ उनके कितना सारे लोगों को जीविका चलने का साधन मिला है, उन्होंने कितना अच्छा ऑप्शन उनको दिया है वहाँ पर, कि सांची के दूध के पैकेट सुबह शाम बिकते हैं, प्रोडक्ट भी बिकते हैं, पर साथ में उनकी छोटे से स्टोर होता है जिसमें दुनिया भर के सामान आ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव होता है कि आप लोगों को एक रोजगार भी दे रहे हो, वो कच्चा वाला नहीं पक्का वाला। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं सांची के पार्लर हर जगह देखती हूँ। अब मेरा क्या रोल रहेगा कि मुझे सांची की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये मेरे लिए खुद के लिए एक सौभाग्य की बात है, और क्योंकि मैंने बचपन से दूध घी मक्खन ही तो देखा है, तो मेरे को पता है कि कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ पहुँचता है। और पहली बार जब मैं गांव से आई थी, तो हम सोचे थे कि यार दूध यूँ फटे क्यों नहीं है इनको, असो कई काम करेंगे हमारे यहाँ को दूध तो हम शाम तक भी तपाएंगे, दूसरा दिन तक तो चल ही नहीं पाए है, ये असो कई करेंगे। तो मुझे 2015 में यहाँ के पहले एक अध्यक्ष थे वर्मा सर, जिनकी अब डेथ हो गई है, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव था कि जितने भी स्टूडेंट होती थी, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज था, उनको लेकर लाया गया था, यहाँ दिखाया जाता था कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कैसे की जाती है। तब मुझे समझ में आया था कि ओ, इस वजह से वहाँ तक दूध पहुँचता है। मैं कोशिश करूँगी कि यदि जिस रोल के लिए मुझे चुना गया है, मैं सही चीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, उन सब प्रोडक्ट को, सांची के प्रोडक्ट को, किसान जो मेरे परिवेश से आते हैं, उन सब का कैसे प्रमोशन कर सकूं और असली वाली चीज़ को और सामने तक लोगों तक ला सकूं। जब दिखेगा तभी तो बिकेगा ना। सो बस यही है, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। परमार जी, आपने जिस प्रकार से हमें यहाँ आज उद्बोधन करके सबको प्रफुल्लित किया है, और गाय की दूध की बात हो या मक्खन की बात हो, साथ ही जो गांव की सोंधी मिट्टी के बीच आप पड़ी बनी, और सीहोर जिले की हमारी आन, और इस प्रदेश की पूरी शान, और अब तो पूरे हिंदुस्तान की आन बान और शान है आप हमारी आज से ब्रांड एम्बेसडर हुई, आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे साथ सुश्री मेघा परमार जी भी हैं, जो हमारे माउंट एवरेस्ट विजेता हैं, माननीय कंसोटिया जी भी हमारे साथ हैं, आदरणीय तरुण राठी जी, और माननीय मंत्री महोदय गाय के शुद्ध घी का लांछन यहाँ कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा ये नया प्रोडक्ट आपके लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए, भोपाल शहर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, और आपको शुद्धता का पैमाना यहाँ दिया गया। दूसरा ब्रज पेड़ा, अब ये ब्रज पेड़ा जो निर्मित किया गया है, जिसके बारे में आदरणीय सरोज जी ने आपको पूर्व में बताया। अभी साथियों, ये जो सांची घी हमने जो लॉन्च किया है गाय का, उसको सारे हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण उसको आपको दिखा रहे हैं, और ये जोरदार तालियों से उसका स्वागत हमारे इस नए प्रोडक्ट सांची गाय का शुद्ध घी। और विशेष अतिथिगण माननीय मंत्री महोदय भी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित, और इसके पश्चात अब लॉन्चिंग के दूसरे क्रम में हम कर रहे हैं ब्रज पेड़ा। हमारा ये श्रावण का महीना, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का भी शीघ्र समय आने वाला है, और ब्रज का ये पेड़ा आप सबके लिए एक अनुभूति रहेगी, और इसको आप खाएंगे तो बार बार खाने का भी मन करेगा। और ये ब्रज का पेड़ा लॉन्च होता हुआ हमारे मुख्य अतिथि का आपके समक्ष भोपाल शिकारी गुरु किसान का ब्रज पेड़ा लेकर आए हैं, और इसे अधिक से अधिक हम विक्रय करके, और इस श्रावण के महीने में ही नहीं बल्कि 12 महीने में हमारे इस प्रोडक्ट को लोग याद रखेंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरे प्रोडक्ट के रूप में हमारे ग्वालियर दुग्ध संघ का निर्माण, और हमारा ही निर्माण बेसन के लड्डू, शुद्ध घी के पूर्णतः बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं परिवारों में, लोग अक्सर उसका सेवन करते हैं, और हम
उसको भी लॉन्च कर रहे हैं भोपाल लोकसंघ के इस प्रांगण में। सभी हमारे माननीय मंत्री महोदय आदरणीय कंकुड़ा जी, आदरणीय तरुण काठी जी, सुश्री मेघा परमार जी, हमारे शिवम महोदय जी, आदरणीय भदौरिया जी, आदरणीय श्री हमारे बीच महिया जी, सभी आपके बीच हैं। और ये लॉन्चिंग साथियों 2000 टाइम से हमारे टीमों को आज माननीय मंत्री